गर्मी दिखाई दे रही है, क्या रहेगा आगे? पूरे प्रदेश में गर्मी है, मोदी जी के नाम की गर्मी है, योगी जी के नाम की गर्मी है, राजभर के नाम की गर्मी है, और ये गर्मी तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बना लेगी, तब तक ये गर्मी समाप्त होने वाली नहीं है। अखिलेश यादव जी एक ट्वीट किए थे जिसमें एक लड़का 8 बार अपना मतदान दिया है, उनके राज में होता रहा होगा, इस राज में नहीं होता है, ये झूठ बोलने के माहिर लोग हैं। नहीं सर, वो बीजेपी कमल को दबा रहा है और बार बार 8 बार किया है। अच्छा, वहाँ खड़ा थे अखिलेश जी का? अरे ऐसा ही वीडियो बनता रहता है, हमारे मुड़ी काट के आप वाले में, आप वाला काट के हमरे में। यानी उनके कहना है, आपका कहना है एडिटिंग था वो। और क्या था? हिमाचल के रण में ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को आप कैसा देख रहे हैं? अभी दोनों बच्चा हैं, हम उनके चचा। लड़ाई कहीं नहीं है, आप अपने यहाँ देख लें, क्या सलेमपुर में लड़ाई है, क्या बलिया में लड़ाई है, क्या गाजीपुर में लड़ाई है, चंदौली देख लीजिए, घोसी देख लीजिए, लालगंज सलेमपुर देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए, बांसगांव देखिए, गोपाल गोरखपुर देख लीजिए, आपके बस्ती देख लीजिए, हम तो घूम रहे हैं ना, कहीं लड़ाई नहीं है। एक तरफा वोट जनता एक तरफा वोट दे रही है, क्योंकि कांग्रेस सपा बसपा ये दगे हुए कारतूस हैं, ये 4 बार सत्ता में, कोई 40 बार सत्ता में रह करके अगर ये पिछड़े दलित वंचित शोषित अल्पसंख्यक को हिस्सा दिए होते तो हमारे साथ क्यों रहते, ये मोदी जी के साथ क्यों रहते, योगी जी पर विश्वास क्यों करते? इस नाते उन लोगों से विश्वास जनता का उठ गया है, जनता भरोसा की है मोदी जी पर, जनता भरोसा कर रही योगी जी पर, क्योंकि इनकी सरकार कांग्रेस सपा की रहती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, 7 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ, ना कहीं कर्फ्यू लगा, ये जनता को विश्वास है, जो राशन बट रहा है जनता लेके मजा ले रही है, खा के ढेकार रही है, अब क्या चाहिए। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि एक सीट छोड़कर सभी सीटों पर हम जीत रहे हैं, एक में लड़ाई है खाली। तो ओम प्रकाश जी हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं और बिरादरी जहाँ की तहाँ है, ये हम नहीं बिरादरी के लोग कह रहे हैं, ये बिरादरी का सम्मान है। कल तक यही विपक्ष कहता था, जो आपका सवाल है, विपक्ष हमसे यही कहता था कि ये गाड़ी से चलता ही का लड़ाई लड़ेगा, अब विपक्ष को परेशानी हो गई है, अब वो क्या कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार, लखनऊ दिल्ली ओम प्रकाश राजभर डबल इंजन का हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहा है, अब चट्टी पर क्या बोलेंगे, अब हमारा भी नेता कहेगा ना कि हमारा भी नेता हेलीकॉप्टर से चल रहा है मुकाबला करने के लिए, अब उनको जवाब देने लगेगा। अब ये सम्मान पूरे समाज का है, पूरे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का सम्मान है, आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के विषय में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हम सत्ता के लिए नहीं इनके लिए लड़ते हैं, हमने क्षण भर में सत्ता छोड़ दिया था, अगर सत्ता के लोलुप्त रहते ना हम वहीं रहते, हम सत्ता के लिए नहीं, हम इनके लिए लड़ते हैं। आप देखिएगा 5 साल के अंदर हम 3 साल में गरीबों के छत पर वो पैनल टांग करके इनको बिजली बिल से मुक्त कराने का काम हम 3 साल के अंदर करके दिखाएंगे। गठबंधन के लोग कह रहे हैं सर संविधान खतरे में है। हाँ ये जरूर कह रहे हैं, उनका संविधान खतरे में है, क्योंकि वो सीट जीत नहीं रहे हैं, उनकी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी, तो खतरे में तो उनका संविधान ही है। जब तक मोदी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, तब तक संविधान खतरे में नहीं रहेगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं फटाफट सरकार जा रही है मोदी जी, फटाफट उनकी सीटें जा रही है।